और इसको बोलते हैं दुनिया का आठवां अजूबा चाइना के अंदर। इधर ना बहुत सारे खेल खिलौने बेचने वाले भी बहुत सारे खड़े हुए हैं। बाकी जो ये एरिया है ना बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, यहाँ पे ना हर बंदा सिगरेट पी रहा है यार, हर बंदा। मैं तो यहाँ से भाग एक घंटे से बोलना बिल्कुल दुब्बर हो गया। और गाइस ये कुछ इन्होंने देखो कुछ बना रखा है, बोतल लगा के चेक कर लेते हैं इसके ऊपर कि भाई इसके अंदर कुछ इलीगल चीज तो नहीं है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी मैं जा रहा हूँ चॉन्किंग की सबसे फेमस ट्रेन की तरफ, जो वो एक बिल्डिंग के अंदर घुसती है ना, मतलब 20-22 फ्लोर है उधर, वो बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है, यानी ऐसा लगता है जैसे तो बिल्डिंगों के अंदर से चल रही है मेट्रो। और मेरे हॉस्टल से जो मेट्रो का स्टेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे पास में ही है। और वो मेट्रो नहीं, मोनोरेल है। बाकी देखते हैं कैसी सी है, वीडियोस में तो मैंने खूब देखी है, काफ़ी सही लगती है, रियल में देखते हैं कैसी सी होगी, उसमें बैठ के भी देखेंगे। और ये देखो हमारे बिल्कुल पास में ही है ये वाला स्टेशन, क्या नाम है इसका, जियो चंग गुकू पता नहीं क्या अजीब सा नाम है। और इनकी मेट्रो काफ़ी तगड़ी है, रात को आए थे हम यहाँ से। तो गाइज हमने ना टिकट ले लिए हैं, कुछ ऐसी सी दिखती हैं। अभी हमारे को सिक्योरिटी चेक के लिए बैग ड्रॉप करना है और उसके बाद हम निकलेंगे लाइन 2 से, और लाइन 2 पे है ये। और गाइज ये कुछ इन्होंने देखो कुछ बना रखा है, बोतल लगा के चेक कर लेते हैं इसके ऊपर कि भाई इसके अंदर कुछ इलीगल चीज़ तो नहीं है। बाकी इधर से मैप देखता हूँ, मैप से अगर कुछ समझ में आ जाए तो। और गाइज हमारे को ना लाइन 2 से जाना है, और लाइन 2 के लिए एंट्री तो इधर से ही कर लेते हैं ना। हेलो, लाइन 2 सामने लिखा हुआ है। तो देखो गाइज ये कार्ड है, पेपर की शीट्स ही हैं, इन्हीं को चार्ज करके दे देते हैं और लास्ट में इन्हीं को ले लेते हैं। लाइन 2 का ट्रांसफ़र लिख रखा है उधर, तो लाइन 2 पे जाएंगे। इधर है लाइन 1, तो बाकी ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, क्योंकि उसने 2 युआन लिए, 2 युआन हो जाते हैं लगभग 20 रुपये। तो 20 रुपये में हम इमेजिन आप कर सकते हो कि कितना ही दूर होगा। मेरे ख्याल से पक्का 4-5 स्टेशन के अंदर अंदर ही होगा, अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा होता ना 3 या 4 युआन 1% के लगते। और ये देखो यहाँ से हम जाएंगे लाइन 2 की तरफ। और गाइज जब आप मोनोरेल में चढ़ोगे तो आपको लेजीबा पे उतरना है, लेजीबा जो कि 7th नंबर है, ठीक है। और हम यहाँ से निकलेंगे जिंगा चाउ से, मतलब जो भी है, ठीक है जी। लीजीबा पहुँचना है अपने को, और लीजीबा वही स्टेशन है जिस स्टेशन के अंदर वो घुसती है अंदर, मतलब जो ट्रेन है वो अंदर घुसती है, वही वाला स्टेशन है। और गाइस जो इनकी मोनोरेल है ना भाई साहब, देखने में तो काफ़ी सही लग रही है, देखना दूर दूर तक नज़र आ रहा है। और इधर से इधर ड्राइवर बैठा है, इसके अंदर से आगे का दिखेगा तो वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा। जो ये मेट्रो है ना, ये ट्रेन है, इसमें से भाई साहब बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहे हैं सिटी के, काफ़ी सुंदर दिख रही है। मैं तो सोच रहा हूँ रात को कितनी खूबसूरत लगती है, एक राइड तो ना इसके अंदर रात की भी करूँ, क्योंकि बढ़िया भी आता है। ये देखो इधर से ना एक दूसरी ट्रेन आ रही है, ओ भाई साहब काफ़ी सही लग रही है देखने में। जो चॉन्किंग शहर है ना भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इनकी रिवर है ना, ये भी थोड़ी डिफरेंट सी है, पथरीली सी, मतलब ऐसी मैंने अभी तक मतलब देखी नहीं है, वैसी रिवर है। और काफ़ी सारी जगहों पे जब मैं गया हूँ ना, वहाँ पे मैंने जो रिवर देखी है ना वो थोड़ी सी ना गंदी होती है, पर इनकी है ना सही साफ नदी है, बढ़िया साफ सुथरी सी नदी। ये इनका है अंदर का कॉकपिट टाइप, इसमें से चलाते हैं ये। और अभी सामने आएगी वो वाली बिल्डिंग जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वैसे मतलब ये ना पहाड़ों का एरिया है, इसलिए ये ऐसा लगता है कि एक साइड अलग फ्लोर्स हैं, दूसरी साइड अलग फ्लोर्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि मतलब ये बिल्डिंग्स के अंदर से चलती है, बस लेवल मैच हो रहा है वहाँ पे, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग के अंदर से चलती है। और ये फ्रंट का व्यू है, और ये ड्राइवर यहाँ पे चला रही है इसको, और इसके इक्विपमेंट्स वगैरह देख लो भाई साहब। और चारों तरफ से ना अलग काफ़ी डिफरेंट सा ही माहौल है, और कभी ये नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी टेढ़ी हो रही है, कभी मेढ़ी हो रही है, मतलब ऐसी ऐसे सही रोलर कोस्टर सी राइड लग रही है, मतलब काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस लगा मेरे को इसको। और ये ना सिर्फ 2 युआन में होगी, मतलब 1% की 2 युआन की, हमारे हॉस्टल से लेके। अकेला ना मैं ही यहाँ पे एक्साइटेड नहीं हूँ, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं इस ब्रिज को देखने के लिए, इस मोनोरेल को देखने के लिए, इस बिल्डिंग के अंदर ये कैसे घुसती है, जो कि काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस है, मतलब यहाँ के लोगों के लिए भी ना ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और बहुत सारे लोग मतलब देख लो, मतलब थोड़े थोड़े रास्ते से जहाँ जहाँ से भी देख सकते हैं, उधर उधर इन्होंने अपने आप ही जगह बना ली आगे देखने के लिए। और सामने जो ये वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली बिल्डिंग जो है सामने इधर से दिख रही है, ये वाली बिल्डिंग मतलब इसके अंदर घुसेगी, और इसी का एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग आते हैं। और सामने से एक रेल और आ रही है, मोनो रेल,
बारिश हो रही है उसकी वजह से इतना साफ नहीं दिख रहा है। और गाइस नीचे देख लो कितनी भीड़ लगी हुई है सिर्फ इस मोनोरेल को देखने के लिए, इसकी वीडियो बनाने के लिए लोग इधर आए हुए हैं। और हम भी नीचे जाएंगे और फिर दिखाऊंगा आपको कि कैसी लगी। तो गाइस फाइनली हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं जहां से ट्रेन बिल्डिंग्स के अंदर घुसती है। वैसे बिल्डिंग्स के अंदर नहीं घुसती, इधर तो लेवल सेम ही है बट वैसे लगता है कि ये बिल्डिंग्स के अंदर घुसती है। अभी नीचे चल के दिखाता हूँ नीचे से कितना अमेजिंग व्यू आता है। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग्स के अंदर रहती है, साइलेंट है, शोर वोर तो खूब करती है, कंपन भी होती है बढ़िया वाली। और मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल साइलेंटली चलती है या फिर बहुत नॉइस कम करने वाली है। और ये देख लो भाई सब देखने में कुछ ऐसी थी ये, ठीक है। और एक बंदी है जो इसमें काम कर रही है, जो चला रही है इसको, वो मुंडी निकाल के और फिर खिड़कियाँ खोल रही है और मुंडी निकाल के इसको वापस अंदर कर रही है। और नीचे मैंने जैसे दिखाया था ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है देखने के लिए। और इधर से कुछ ऐसा व्यू है देख लो चौंकिंग का। रात में मैं सोच रहा हूँ कि रात में कितनी वाइब्रेटिंग सी लगती होगी, कितनी तगड़ी लगती होगी, खूबसूरत लगती होगी। अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने के लिए हमारे को मेरे ख्याल से लिफ्ट यूज़ करनी पड़ेगी या फिर पैड़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, देखना है। पर लेकिन यहाँ पे अभी पैड़ियाँ लगा रखी हैं वैसे। और ये देखो पूरा भाई साहब चौंकिंग का मैप लगा रखा है इन्होंने, कहाँ पे क्या है पूरा का पूरा लगा रखा है। बाकी इसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ तो अपने समझ से बाहर है, इग्नोर करते हैं और नीचे चलते हैं। जो मेट्रो की स्लिप है ना ये ऐसे जाती है जैसे जापान वाली पर्चियाँ होती है ना, इसमें तो गई ही नहीं ये वाला चसा हुआ अगर इसके अंदर से जाएगा हो गई अपने से चली जाती है भाई साहब, तगड़ा ही है ये। और इधर देखते हैं एग्जिट किधर से लेना है अपने को। एग्जिट के लिए मेरे ख्याल से इधर से जाना है, इधर एग्जिट लिखा हुआ है ये रास्ता, इधर लिफ्ट वेट होएगी पता है यहाँ पे। और सीढ़ी दे रखी हैं बहुत सारी, या लिफ्ट भी है। ओ मिल गया मिल गया मिल गया, हम तो इसके ऊपर से जाएंगे भाई क्योंकि बहुत चल रही है पैदल पैदल, थक चुके हैं अब तो बिल्कुल। गाइस मैं आ गया हूँ नीचे मेट्रो स्टेशन से उतर के, और जहाँ से जो ट्रेन है वो दिखती है ऐसी जैसे कि वो बिल्डिंग्स के अंदर घुस रही है और बिल्डिंग्स के अंदर से जा रही है। और अभी देखते हैं कैसी लगती है, देखो ये जा रही भाई साहब, अभी थोड़ा सा देखते हैं परफेक्ट व्यू कहाँ से आता है और वहाँ पे जाके इसको देखेंगे कि कैसी लगती है। इधर ना बहुत सारे खेल खिलौने बेचने वाले भी बहुत सारे खड़े हुए हैं जो इसको रिमोट के साथ मतलब उड़ा देते हैं कुछ कुछ परी, ये बंदा है ना ये उड़ा रहा है, मतलब इसके पास बहुत सारे वो हैं मिनियंस हैं और भी बहुत सारे कार्टून्स वगैरह हैं जिनको ये उड़ा रहा है और डिफरेंट डिफरेंट। गाइस ये देख लो ये है मोनोरेल चाइना की जो कि काफ़ी बढ़िया है और 15 साल पहले इन्होंने इसको बनाया था। और यहाँ पे जो ये फेमस है इस बिल्डिंग को लेके है कि ये बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। और बिल्डिंग का साइज़ देखो मतलब काफ़ी सही है और 18 फ्लोर की ये बिल्डिंग है पूरी, और ये 10वें या 11वें फ्लोर पे एंटर करती है। और यहाँ पे इसका स्टेशन बना हुआ है जो काफ़ी बढ़िया है, मतलब काफ़ी देखने में सही लगता है। और इसके अंदर मैं आया था अपने अपने हॉस्टल से, तो मतलब मैं ऊपर से भी देखा था, मतलब काफ़ी सही बना रखा है। और इसमें मतलब बाहर से देखने में ये ऐसी लगती है जैसे बिल्डिंगों के अंदर जा रही है। और ये देखो भाई साहब ये आ रही है ट्रैम और अब ये घुस जाएगी इस पीछे वाली बिल्डिंग के अंदर, काफ़ी सही लगती है वैसे देखने में। और ये मोनोरेल है और ये घुस गई भाई साहब, और इसको बोलते हैं दुनिया का 8वां अजूबा चाइना के अंदर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो टूरिस्ट हैं वही इसको देख के खुश होते हैं, यहाँ के जो लोकल टूरिस्ट हैं ना वो भी इसको देख के बहुत खुश होते हैं। देख लो कितनी भीड़ लगी हुई है, और मोस्टली ना चाइना के खुद की जो लोकल पॉपुलेशन है ना वही आ रखी है, हमारे जैसे तो बहुत ही कम आ रखे हैं। देखने में काफ़ी सही लगती है, अगर आप चाहो तो इधर आ सकते हो। बाकी जो ये एरिया है ना बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, यहाँ पे ना हर बंदा सिगरेट पी रहा है यार, हर बंदा। अगर आप ना सिगरेट विगरेट नहीं पीते ना तो आपका यहाँ पे ना जीना हराम हो जाएगा, इतनी सिगरेट पीते हैं ये लोग। मतलब जगह जगह पे आपको ना इस पिलर के साथ में खड़े लोग सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाने के पैसे भी पे करते हैं, जो ये लोग हैं ना 20 RMB लेते हैं यानी लगभग 210 रुपये, और इसमें फ़ोटो खींचते हैं लोगों के और लोग फ़ोटो इनसे खिंचवाते भी हैं। बाकी ना दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं सही बताऊँ तो, वीडियो बनाते टाइम बहुत ज़्यादा ओलो कर रहे हैं और ये मुंह पे लगा के पूरा बढ़िया माइक चला रहे हैं। और अभी देखो उधर से भी आ रही है देखो एक MRT जो कि काफ़ी सही लग रही है, और उन्होंने ना पहाड़ के ऊपर काफ़ी बढ़िया बना रखा है, देखने में सही लगती है। और इधर से इनका दिखता है पूरा चौंकिंग का व्यू, चौंकिंग का व्यू जो है वो काफ़ी सही लगता है इस रिवर के साथ से। ये वाली जो लोकेशन है परफेक्ट है वैसे, अगर ये वाला एरिया अगर आपको देखना है तो। ये देखो भाई साहब कितना सही लग रहा है ना, यहाँ से इस रिवर के साथ में एक और ब्रिज है थोड़ा सा आगे चल के जो कि काफ़ी फेमस ब्रिज है, अभी मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं है पर रात में वो काफ़ी वाइब्रेंट लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। और इस सिटी के बारे में बोला जाता है कि जो सिटी है ना बहुत ज़्यादा लाइटनिंग वाली सिटी है। और गाइस यहाँ पे ना इतना पॉल्यूशन है भाई साहब, गला बैठ गया मेरा तो, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा। मैं तो यहाँ से अब भाग रहा हूँ जल्दी से, काफ़ी देर होगी मेरे को, कम से कम 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े, 1 घंटे से
बोलना बिल्कुल दुबर हो गया, इतना गंदा पॉल्यूशन है भाई, जीना आराम हो गया। कभी घनी पॉल्यूटेड सिटी है यार सच्चाई में। और लोग भाई बगैर मास्क के ना ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे, मतलब इनको खांसी भी नहीं आ रही। शायद ना हम सिगरेट वगैरह धुएं वगैरह से थोड़ा दूर रहते हैं, शायद इसलिए अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और ये लोग यहाँ पे हैबिचुअल हैं शायद इसलिए इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो गाइज ये वाला स्टेशन था, ठीक है, JJBS स्टेशन, और डिस्क्रिप्शन में मैं स्टेशन का नाम लिख दूंगा, अगर आप चौंकिंग आ रहे हो तो आके देख सकते हो, काफ़ी सही चीज़ है। बट ऐसे कुछ हवा बना रखा है ना, वो हवा नहीं है, मतलब बेफालतू में जो हवा बना रखा है, मतलब सिंपल है भाई साहब, कोई घनी बड़ी बात ना है, और कोई भी बना सके इसे। इंफ्रास्ट्रक्चर मारे वहाँ पे है को ना, पहाड़ पूड़ इतने जड़े, इतनी डेवलप सिटी है, शायद इस मारे अगर मारे भी अगर वहाँ पे कितने बढ़िया पहाड़ पूड़ा में कोई डेवलप सिटी होती तो वहाँ पे भी हमारे को ऐसे बनानी पड़ती। और गाइज अभी मैं ना जो ट्रैम स्टेशन है उसके बाहर हूँ दूसरे वाली साइड पे, और यहाँ पे देख लो भाई साहब ऐसा सीन है, मतलब ये पहाड़ के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई और सामने से ये ट्रैम चलती है ऐसे, मतलब ये नहीं कह सकते इसको कि भाई कुछ अजूबा ये है भाई साहब, पहाड़ों में मेट्रो बना रखी है जो काफ़ी सही लगती है, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। तो भाई साहब मेरी नज़रों में तो ये कोई खास मतलब ये नहीं है कि अजूबा उजूबा है, नॉर्मल ट्रेन है, अगर आप देखना चाहो तो आ सकते हो, पर हाँ सिर्फ इस ट्रेन को देखने के लिए चौंकिंग आना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अगर आप चाइना आ रहे हो घूमने के लिए और सिर्फ ये ट्रेन देखने के लिए चौंकिंग प्लान कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी दूर है, अगर आप शंघाई से आ रहे हो या फिर बीजिंग से आ रहे हो या फिर इवन शेंज़न से भी आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा दूर है। और हाँ अगर इस ट्रेन के लिए आ रहे हो तो वर्थ नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि आप आओ बिल्कुल, पर हाँ अगर आपको चौंकिंग घूमना है, यहाँ की नाइट लाइफ देखनी है, यहाँ की ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स देखनी है, यहाँ के और कुछ अट्रैक्शंस देखने हैं साथ में, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और एक या दो दिन इनफ है। यहाँ का अजूबा तो ये लगता है मेरे को भाई साहब, ये वाटर बॉटल को ना अपने आप स्कैन कर लेते हैं, देखो अभी ऐसे निकाली और इसके ऊपर रखी, ओ ग्रीन हो गया, ठीक है सिसे हाँ घर का कार्ड लगा दूँ, और ये कार्ड देखो गाइस हमारे को ये कार्ड लगाना है सिंपली, और अपने को एंट्री मिल जाएगी, ये चीज़ मेरे को सही लगी, मतलब बॉटल उसके ऊपर रख देते हैं उसी से पता लग जाता है भाई साहब इसके अंदर दारू है क्या है, कोई ऐसा लिक्विड तो नहीं है जो हार्मफुल हो किसी की सेहत के लिए या फिर किसी भी तरीके से। गाइस आपको एक बार और दिखा देता हूँ अंदर से ये कैसी सी दिखती है, और फ्रंट साइड में बैठते हैं आ जाओ, अगली साइड खाली है काफ़ी, तो इधर से घुसते हैं जो पहले लाइन में लगे होते हैं इनको जाने देते हैं, और हम घुस गए अंदर, लो भाई घुस गए, अब जा रहा हूँ मैं आगे, आगे से दिखाता हूँ अगर कुछ दिखा तो। बाकी ना इसके अंदर ना मोस्टली लोग बैठे हैं, खड़े पड़े बंदे तो कोई एक आता ही है हमारे जैसा ही जिनको वीडियो बनानी है, जगह नहीं मिली यार। ये वो रास्ता है जो बाहर दिख रहा है ना, इसके ऊपर चलती है ट्रैम, और इसके ऊपर ना टायर चलते हैं इसके, और साइड से इन्होंने स्पॉट दे रखी हैं, और जो ये वाली ब्रिज दिख रही है ना इस पे से गाड़ियाँ चलती हैं भाई साहब, सही बना रखे हैं ना, काफ़ी मर्ज कर रखे हैं, और काफ़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, और काफ़ी हद तक इन्होंने सही बना रखी हैं सारी चीज़ें, मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ी है। और ये नदी है ना, इसका नाम तो मेरे को नहीं पता क्या चीज़ है, पर इसके ऊपर ना एक पुल आता है जो रात के टाइम पे बहुत बढ़िया लगता है, और इससे अगले वाला जो वीडियो आएगा ना नाइट लाइफ वाला उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और गाइस मैं आ गया हूँ अभी वापस अपने मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, यहाँ की एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है जहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी होती है चौंकिंग की, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो गाइस होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।